और जीने के हैं चार दिन। ओ आ टोनी, कैसा है? अरे भैया, मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ। ये आप किस में लगे हुए हो? क्या सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो? हाँ पागल हूँ मैं तो, जो सब कुछ तेरे नाम पे कर दूँ और ये भी डुबा दूँ। भैया ये आपकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। You feeling hurt my... अरे वो मतलब नहीं था मेरा, मैं तो बस ये कह रहा था कि पिताजी हम दोनों को बराबर बराबर बांट के गए थे और तूने अपनी हरकतों की वजह से सब कुछ का सत्यानाश कर दिया, अपनी गलतियों की वजह से। मेरी गलती नहीं है भैया, मेरी किस्मत ही खराब है। Oh, no. हर चीज में लॉस हो जाता है। पहले मैं पत्ते खेला, उसमें लक नहीं चला, फिर स्टॉक मार्केट में मेरे को नुकसान हो गया और फिर चिट फंड निकला। और इसीलिए तो मैं FD करवाता हूँ। इसके बाद ट्रेडिंग की, उसमें भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। अरे बस छोटे बस, शांत हो जा। ले माइक्रोवेव की घंटी भी बज गई, जा पनीर टिक्का जाके ले आ, गर्म हो गया होगा। अरे आराम से, कितना ड्रामा करता है ये। चलो जो भी है तो मेरा भाई ही। यार प्लेट भी गिर गई। अरे क्या हो गया? देखा आपने, पनीर टिक्का भी गिर गया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? देख टोनी, ना तू गलत है ना तेरी किस्मत, पर तू जल्दबाजी में इतनी गलतियां कर जाता है कि हमेशा काम बिगड़ जाता है। और बिट्टू से मैं इतना जरूर सीख गया हूँ कि पैसा कमाने के लिए नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सबर होना भी बहुत जरूरी है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन भैया क्या आप बच्चे की बातों में आ गए? बच्चा वो ना ADB की वीडियो देखता है, तेज हो रहा है। अरे वो सब छोड़ो भैया, वैसे आप कर क्या रहे थे? अरे मैं अपना डीमैट अकाउंट फ्रीज कर रहा हूँ, फिर बिट्टू मेरे पैसे से कोई शेयर नहीं खरीद पाएगा। डीमैट अकाउंट फ्रीज किसका?